हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है इसी मंथ के एंड में कंडक्ट होने वाला है। उससे पहले आप लोगों को जो है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना और फीस पे करना है। लेकिन इसका जो लिंक था एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का और फीस पे करने का, ये लिंक बहुत पहले से एक्टिवेट था और इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी थी कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है और फीस भरने का जो लिंक है उसे बहुत पहले से एक्टिवेट कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, वो सभी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं और फीस पे कर सकते हैं। ओके, सो ये अनऑफिशियल डेट था गाइस, ये ऑफिशियल डेट नहीं था। और ऑफिशियल डेट जो है अभी स्टार्ट हुआ है, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आप लोगों को जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है और फीस पे करना है। ये आप लोगों को मैंने इसके ड्यूल वाले वीडियो में बता दिया था। लेकिन अब जब ऑफिशियल डेट स्टार्ट हो चुका है तो कई सारे स्टूडेंट जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं और फीस पे करना चाहते हैं और वो साइट पे विजिट कर रहे हैं, तो उन्हें साइट में कुछ इस प्रकार का शो हो रहा है कि डेट जो है ओवर हो चुका है। तो ऑफिशियल डेट जो है स्टार्ट हो चुका है लेकिन जो लिंक है उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया। तो काफी लोग अभी परेशान हो रहे हैं कि हम अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, वो अभी काफी डरे हुए भी हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऑफिशियल डेट जो है 15 जुलाई तक है। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आप लोगों का जो लिंक है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का और फीस पे करने का, इसे फिर से एक्टिवेट किया जाएगा। ओके, तो एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग क्या कीजिए, रेगुलरली जो है आईजेंटिक वेबसाइट चेक करते रहिए। जैसे ही अपडेट हो जाता है आप लोग जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाओगे और फीस पे कर पाओगे। इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। ओके, और कहीं भी अगर गलती भी हो जाती है, जैसे आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो और फीस पे कर रहे हो, तो इसमें भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप जो है एक सिंपल सा एप्लीकेशन अटैच कर दीजिए उसके साथ में, जिससे भी रिलेटेड आप लोगों के फॉर्म में गलती हुआ है। ओके, तो इसमें भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्योंकि कई लोग क्या है भरते हैं और कई सारे मिस्टेक कर देते हैं, उसके बाद वो लोग कमेंट करते हैं कि भैया ऐसा गलती हो गया है तो हमारा क्या होगा, फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, हम एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके माइंड में। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस लिंक को जो है फिर से एक्टिवेट किया जाएगा, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ओके, 15 जुलाई तक टाइम है, आप लोग 15 जुलाई तक आराम से भर सकते हो। उसके बाद भी आप लोगों का जो डेट है वो एक्सटेंड होगा, डोंट वरी। ओके, क्योंकि 27 जुलाई से एग्जाम है, उससे पहले आप लोग भर पाओगे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म। मेरे ख्याल से ये ओपन रहेगा 27 जुलाई तक। ओके, हम लोग जब एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे थे तो ये इसी प्रकार से जो है पहले ही इस लिंक को ओपन कर दिया गया था। उसके बाद ऑफिशियल डेट आने पर इसे फिर से डीएक्टिवेट कर दिया गया, फिर लिंक को एक्टिवेट किया गया। उसके बाद ये टिल द एग्जाम ये ओपन रहा, उसके बाद हम लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर पाए और एग्जाम में अपीयर हो पाए। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ओके, सो आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है।